ओम शांति। बाबा के मधुर महावाक्य हम सभी ने सुने। बाबा कहे बस बाबा बाबा करते रहो, कराने वाला बाबा करा रहा है बाबा। करण करावन हार वही है, जितना बाबा बाबा अंदर से करते रहेंगे उतना जीवन नैया पार हो जाएगी। एक ही जन्म मिलता है हमें भगवान के साथ बिताने का। देवताओं के साथ भी कितने जन्म बिताए, असुरों के साथ भी कितने जन्म बिताए, भगवान के साथ एक ही जन्म मिलता है। तो जितना समय साथ रह सके उतना ही वो सुखद अनुभव को प्राप्त कर सकेंगे। यही तो तपस्या है। एक है कि हम सभी योग करते हैं, है ना, और एक है तपस्या। योग और तपस्या में क्या अंतर है? योग करते हैं ना रोज, तो योग और तपस्या में क्या अंतर है, क्या कहेंगे? लंबे समय तक मैं रोज 8 घंटे का अगर अभ्यास करूं तो तपस्या हो गई? निरंतर कुछ ब्रॉड सेंस में कुछ प्राप्ति के लिए कड़ा करते हैं। योग एक सब्जेक्ट है, हमारा 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान योग धारणा और सेवा। तो योग एक सब्जेक्ट है लेकिन तपस्या एक जीवन है जिसमें चारों ही सब्जेक्ट समाये हैं। ज्ञान युक्त, योग युक्त, धारणा युक्त और सेवादारी। ये ब्राह्मण जीवन एक तपस्या है। योग जब लगाते हैं तो बाबा के साथ हमारा सर्व संबंध होता है और सर्व संबंधों के आधार पर हम याद करते हैं। लेकिन तपस्या में चारों ही सब्जेक्ट आ जाते हैं। बाबा ने हमेशा हम बच्चों को बहुत सुंदर शिक्षा दी है कि तपस्या का आधार क्या है। तपस्या का आधार है त्याग। बिना त्याग के तपस्या कभी नहीं हो सकती है। दुनिया में इसीलिए तपस्वियों ने भी घर बार छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए, स्थूल में त्याग कर दिया। लेकिन बाबा हम बच्चों को कहते हैं तुम्हें रहना गृहस्थ में ही है, समाज में ही रहना है, फिर भी तपस्या करनी है, क्योंकि हमारा त्याग स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। और उसमें भी सबसे महीन से महीन त्याग मैंपन और मेरेपन का त्याग। जिस दिन ये त्याग हो जाए तो तपस्या हमारी बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ने लगती है। तपस्या का मतलब ये नहीं कि मैं 8 घंटा योग में बैठ जाऊं, 8 घंटे का चार्ट बना दिया, नहीं, वो योग ही है, वो तपस्या नहीं है। तपस्या एक जीवन है। आप कोई भी तपस्वी का चित्र सामने ले आओ, क्या महसूस होता है? कोई भी तपस्वी का चित्र सामने ले आओ, जैसे ध्रुव था, ध्रुव ने खूब तपस्या किया। तपस्या माना जहां दृढ़ता संपन्न अभ्यास हो। कोई भी चीज
दृढ़ता के साथ जब अभ्यास करते हैं उसको कहते हैं तपस्या। उसमें सौलियत नहीं होती है। ध्रुव ने कोई सौलियत नहीं रखी कि भाई मैं एक टांग पर खड़ा रह करके भगवान को याद करूंगा, लेकिन बारिश आ जाएगी तो मैं घर में आ जाऊंगा, या रात को मैं अपना टांग दोनों नीचे कर दूंगा, या मैं थक गया तो एक छोड़कर दूसरी टांग पर खड़ा हो जाऊंगा। सौलियत नहीं होती है उसमें, उसको कहते तपस्या। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, जहां आप दृढ़ संकल्पधारी हो जाते हैं तो वो आपकी तपस्या है। कोई भी बात में जब दृढ़ता के साथ अभ्यास करने लगते हैं वो तपस्या बनने लगती है, उसमें सौलियत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, उसमें संकल्पों की क्वालिटी होनी चाहिए, श्रेष्ठ संकल्प, क्योंकि हमारी तपस्या सूक्ष्म स्तर की है, त्याग सूक्ष्म स्तर का है, तपस्या सूक्ष्म स्तर की है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले जो अभ्यास करना है वो है अपने संकल्पों के आधार पर। दृढ़ संकल्पधारी बनना हो तो दृढ़ संकल्प माना क्वालिटेटिव संकल्प, क्वांटिटेटिव संकल्प ना हो, क्वालिटेटिव संकल्प, समर्थ संकल्प हो, शुद्ध संकल्प हो, ये है हमारी तपस्या का आधार। दूसरा कि तपस्या माना एकाग्रता पूर्ण अभ्यास। जैसे कहा ध्रुव का चित्र ले आओ, उसने तपस्या किया, तो एक तो दृढ़ संकल्प और फिर एकाग्र चित्त होकर के किया। तो जहां एकाग्रता है, ये नहीं कि मन भटक रहा है, इधर उधर घूम रहा है, वो तपस्या नहीं हो रही है। लेकिन जहां दृढ़ संकल्पधारी होकर के एकाग्रता पूर्ण अभ्यास हम आरंभ करते हैं तो उसको कहते हैं तपस्या। और हमारी तपस्या क्या है? जीत प्राप्त करने की, है ना? किस बात पर जीत प्राप्त करनी है? पांच बातों पर जीत प्राप्त करनी है। कौन सी पांच बातें? नहीं, अगर ये इतना सहज होता था तो मैं थोड़ी पूछती थी। पांच बातों पर जीत प्राप्त करना, ये हमारी तपस्या है। पहली जीत है कर्मेंद्रिय जीत। कर्मेंद्रिय जीत ये हमारी तपस्या है, उसके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये हमारी तपस्या है कि कर्मेंद्रिय जीत बनना है। उसमें स्थूल कर्मेंद्रिय और सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि भी और स्थूल कर्मेंद्रिय भी। तो जो उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, ये पुरुषार्थ हमारी तपस्या है। दूसरा जीत संस्कार जीत, है ना? संस्कार जीत कि जो हमारे इतने जन्मों के 63 जन्म के आसुरी संस्कार बनते गए बनते गए बनते गए, इस एक जन्म में हमें उसके ऊपर जीत प्राप्त करनी है। और कैसे जीत प्राप्त करनी है ये भी बाबा ने बता दिया। जब कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं, माना स्वराज्य अधिकारी बन जाना, एक एक इंद्रिय के ऊपर राज्य अधिकार प्राप्त कर लेना। संस्कार जीत बनने के लिए अनादि संस्कारों को इमर्ज करना और उसका स्वरूप बनना,
ये हमारी तपस्या है। तीसरा जीत बनना है, किस पर? प्रकृति जीत, प्रकृति जीत। और प्रकृति जीत में एक है बाह्य प्रकृति, दूसरी है आंतरिक प्रकृति, स्वभाव, नेचर। जो कई बार बाबा कहते, कई बच्चे कहते, क्या करे मेरा नेचर ऐसा है। उस नेचर के ऊपर जीत प्राप्त करनी है। जितना आंतरिक नेचर पर जीत प्राप्त करेंगे, उतना बाह्य प्रकृति पर जीत प्राप्त करना आसान हो जाएगा। तो प्रकृति जीत बनना, ये हमारी तपस्या है। चौथा विकर्मा जीत कहो या माया जीत कहो, विकर्म किससे बने? माया से बने ना, कमजोरियों से। तो उन कमजोरियों के ऊपर जीत प्राप्त करना, तो जितना हम अपनी कमजोरियों के ऊपर जीत प्राप्त करते हैं, यानी विकर्मा जीत बनते जाते हैं। जो विकर्म हुए हैं उसके ऊपर भी हम जीत प्राप्त कर रहे हैं। तो माया जीत, और पांचवा जगत जीत। तो बाद में बनेंगे ना, अभी क्या बनेंगे? अभी बनना है पांचवा निद्रा जीत, है ना, निद्रा जीत। क्योंकि निद्रा माना स्थूल निद्रा की बात नहीं है, लेकिन आलस अलबेलापन के ऊपर जीत प्राप्त करना। छोटी छोटी बातों के लिए भी ये आलस जो आ जाता, कर लेंगे ना, बाद में करेंगे ना, जरूरी अभी करना है, है ना, हो जाएगा ना। अच्छा, मैंने नहीं किया, उसने किया तो क्या होगा? ये जो आलस आ जाता है, तो बाबा कहे इसके ऊपर भी जीत। क्योंकि सबसे बड़ा रोड़ा अगर है पुरुषार्थ में, तो आलस अलबेलापन ही है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि नहीं, आपको निद्रा जीत बनना है। तो ये पांचों बातों पर जीत प्राप्त करना, ये हमारी तपस्या है। इससे बड़ी तपस्या और क्या होगी, है ना। इसलिए कहा तपस्या एक जीवन है। दो चार घंटे का योग करना ये तपस्या नहीं हुई, ये योग है, है ना। और योग का आनंद ले रहे हैं हम, बाबा के साथ सर्व संबंधों के सुख का आनंद ले रहे हैं। लेकिन तपस्या जो है, ये जैसे कहा कि साधना, कुछ चीज को साधना, प्राप्त करना जीवन के अंदर। जब साध लिया, ये तपस्या के आधार से साध लिया, और तभी हमारे जीवन में उस तपस्या से सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसीलिए तपस्या निरंतर चलती है, चलते फिरते उठते बैठते हमारी तपस्या है। कि कहीं पर भी हम डनलप के तकिए तो नहीं लगा रहे हैं, हो जाएगा, कर लेंगे, होगा, ये सोच करके तकिए तो नहीं लगा रहे हैं। चौथी बात, तपस्या माना जहां साइलेंस की शक्ति को जमा करना अंदर, ऐसा पुरुषार्थ अशरीरीपन का अभ्यास करते हुए, और ये अभ्यास हमें साइलेंस पावर को जमा करना सिखाता है। क्योंकि आगे चल करके यही शक्ति काम आनी है। इसलिए जहां ये जमा कर रहे हैं,
ये जमा करना हमें अनेक प्रकार की सिद्धियों का अनुभव कराएगा। जो बाबा कई बार कहते हैं कि साइलेंस पावर जो है यही तो वायरलेस है, कि अंतिम समय में अनेक आत्माएं जो होगी उसको दूर बैठे भी आप क्या करेंगे, शक्ति प्रदान करेंगे। तो जमा होगा तभी तो दे सकेंगे, अगर जमा ही नहीं है मेरा तो कैसे दे सकेंगे, बताओ दे सकेंगे, नहीं दे सकते। तो इसलिए अशरीरीपन के अभ्यास जितना हम बढ़ाते जाते उतना ही हम अपने अंदर साइलेंस पावर को जमा करते हैं। तो ये जमा करना ये तपस्या है हमारी। जैसे कोई दुनिया के अंदर बिजनेसमैन होता है, वो जमा करता है और जीवन भर जो जमा किया उसने तो क्या कहेंगे, मैंने इतनी तपस्या की है तब इतना जमा हुआ है ना, दिन रात एक किया है तब ये जमा हुआ है इतना। तो ये उसकी तपस्या रही, जीवन उसकी तपस्या हो गई जो जमा किया। तो ऐसे हमें भी अपने अंदर साइलेंस पावर को जमा करना, अनेक खजानों को जमा करना, तो ये जमा करना ये हमारी साधना है, ये हमारी तपस्या है। फिर तपस्या माना संपूर्ण पवित्रता, ये हमारी तपस्या है। संपूर्ण पवित्र बनना, मन वचन कर्म से पवित्र बनना, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता को अपनाना। तो ये सूक्ष्म स्तर पर जब चले जाते हैं हम और उस चीज को हासिल करने के लिए जो पुरुषार्थ हमने किया ये हमारी तपस्या हो जाती है, तभी तो हम नई दुनिया में पहले नंबर में जाने के अधिकारी बनेंगे। अगर ये तपस्या ही ना हो तो कैसे जाएंगे। कई बार कई लोग क्या कहते हैं, दृढ़ संकल्प हम कितनी बार करते हैं फिर भी टूट जाता है, शायद मेरे अंदर पावर ही नहीं है दृढ़ संकल्प करने का। कई बार हमने 18 जनवरी के दिन बाबा के कमरे में वो पत्र लिख करके दृढ़ संकल्प किया, शिवरात्रि के दिन, नए साल के दिन हमने दृढ़ संकल्प अपना किया, 2-4 दिन तो चलता है लेकिन 2-4 दिन के बाद क्या होता है, ढीला हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, अपने में हिम्मतहीन होने लगते हैं कि शायद हमारे अंदर दृढ़ संकल्प करने की ताकत नहीं है। ऐसा है नहीं, दृढ़ संकल्प आप लोग ने कितने किए हैं सोचो, और अभी तक टूटे नहीं है। जब से बाबा के बने रोज क्लास करना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस दृढ़ संकल्प को कोई तोड़ सकता है, कोई ने कह दिया कि आज भाई नहीं जाना है आपको, अच्छा लॉकडाउन हुआ तो घर में बैठ के भी सुना तो सही, मुरली छोड़ा नहीं। अच्छा जब से ज्ञान सुनना शुरू किया, अच्छा बाबा ने कहा खान पान की शुद्धि होनी चाहिए, तो खान पान की शुद्धि रखी या नहीं रखी, कोई आज प्याज खिला दे आपको, खिला कर दिखा दे, कोई कितना भी कहे आपको, डॉक्टर कहे कि भाई आपको हार्ट प्रॉब्लम है प्याज लहसुन खाओ, क्या कहेंगे, मर जाना पसंद करेंगे, ये खाएंगे नहीं, जाएगा ही नहीं अंदर में। तो दृढ़ संकल्प है कि नहीं, टूटा नहीं टूटा। अच्छा पवित्रता की धारणा टूटी, कितना भी हो, ये पवित्रता की धारणा भी बाबा की पिछली मुरली मुझे याद आ रही संडे की, जिसमें बाबा ने कहा कि बच्चे आप कलयुग में एक तमो प्रधान दुनिया के अंदर पवित्रता को अपनाए हुए हैं,
आप अपनी शक्ति से नहीं कर रहे हैं, खाली आपने हिम्मत का एक संकल्प किया कि मुझे पवित्रता को अपनाना है। बिना बाबा की मदद के ये पवित्रता संभव नहीं है। आज की दुनिया में जहां इतनी तामसिकता हो, इतनी तमोप्रधानता हो, इतने जन्मों के संस्कार हो, उसके बाद भी आपने सहजता से पवित्रता को अपनाया, तो ये क्या समझते, अपनी ताकत से कर रहे हैं हम? बाबा की ताकत है। जब तक आपने खाली हिम्मत का एक संकल्प किया कि हाँ बाबा मुझे पवित्र जीवन जीना है, और बाबा की मदद, आपने हिम्मत का एक कदम लिया, हजार गुना बाबा मदद कर रहा है। नहीं तो आज की दुनिया के अंदर कई साधु संत भी फिसलते हैं, कई दुनिया के लोग फिसल जाते हैं। तो कहने का भावार के पवित्रता को जो अपनाया हुआ है बिना भगवान की मदद के, इस तमो प्रधान तामसिक वातावरण के अंदर कलयुगी दुनिया में रह करके इतने हजारों बाबा के बच्चे अगर आज पवित्र जीवन, लाखों बाबा के बच्चे पवित्र जीवन की धारणा लेकर चल रहे हैं, तो अपनी ताकत से चल रहे हैं? नहीं, अपनी ताकत नहीं है ये, बिना उसकी मदद के ये हो नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो कोई तोड़ सका? कोई तोड़ सका? नहीं तोड़ सका ना आपकी पवित्रता को। तो दृढ़ संकल्प है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो फिर जब इतनी बड़ी बड़ी धारणाएं दृढ़ संकल्प से, दृढ़ता से कर रहे हैं और चल रहे हैं इतने सालों से, जो टूटी नहीं है, तो छोटी छोटी अभी जो बाबा के पास चिटकी में डालते हैं 18 जनवरी को नए साल पर जो चिटकी, वो छोटी छोटी है ना बाबा, आलस बहुत आता है, सुबह अमृत वेले उठा नहीं जाता है, ये छोटी छोटी है ना, इसको करने की दृढ़ता नहीं है, इसको करने की दृढ़ता नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी धारणाएं कर ली दृढ़ संकल्प से, और अब कहते हैं कि क्या करें, हमारे अंदर दृढ़ता है ही नहीं। ऐसा हो सकता है? कोई मानेगा? दुनिया में भी किसी को कहेंगे ना तो हंसेगा, इतनी बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं, इतना बड़े बड़े जीवन के अंदर धारणाएं कर ली और अभी कहते हैं हमारे में दृढ़ता नहीं है, मानने को नहीं आएगी किसी को। ये तपस्या है हमारी, ये जीवन, इसीलिए कहा ये जीवन तपस्या है। अच्छा, एकाग्रता पूर्ण अभ्यास करने के लिए ये जरूरी है जानना कि मन जाता कहाँ है, कहाँ जाता है। मन को भटकने के तीन द्वार हैं, जो हमारी एकाग्रता टूटती है, अगर एकाग्रता पूर्ण अभ्यास जो करने लगते हैं लेकिन उसमें टूटती है, तो मन के भटकने के तीन द्वार हैं। कहाँ कहाँ जाता है? एक, मन जाता है इच्छाओं में, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। जहां कहीं कोई नई चीज देखी, ये होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, है ना, तो ये चाहिए चाहिए जहां है उसमें मन जाता है। और आज की दुनिया में सबसे बड़ी बात यही है मन को कमजोर करने की, कि अनेक प्रलोभन निकल गए, और ये अनेक प्रलोभन क्या करते हैं, मन को खींचता रहता है, इसलिए हमारी एकाग्रता टूटती है। बाबा ने हम बच्चों को इसीलिए स्लोगन दिया, कल की अव्यक्त मुरली में क्या स्लोगन, पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। भाई सब कुछ है, बाबा के बनने के बाद आप देखो आपको आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा हो गया, अच्छा हुआ या गिरा? बहुत अच्छा हो गया, है ना, बहुत अच्छा हो गया, है कि नहीं? तो बाबा के बनने के बाद हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो गया, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की क्वालिटी कैसी हो गई,
बढ़िया हो गई या नहीं हुई? तो अब क्या चाहिए? इतनी परवरिश बाबा जो कर रहा है हमारी, इतना कुछ दे दिया। आप पहले अपने जीवन को देखो कैसी थी, और अभी अपने जीवन को देखो कैसी है। है कोई उत्पात? ये चाहिए, वो चाहिए, अरे सब कुछ है अंदर, एक संतुष्टि भर गई है ना। तो इसीलिए कहा कि बाबा ने स्लोगन दे दिया, पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा, कुछ चाहिए ही नहीं। और ऐसी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी हो गई, ऐसे हमारा जीवन का स्तर हो गया, तो ये बाबा की परवरिश ही तो है। तो इच्छाओं में अब मन भटकाने की आवश्यकता है नहीं है। सहज मिले सो दूध बराबर। अगर कोई साधन मिल भी गया तो क्या समझो, दूध बराबर, अमृत बराबर। तो बाबा सहजता से उपलब्ध कराता जाता है, सहजता से उपलब्ध कराता जाता है हर चीज। तो हम क्यों सोचे? एक बार एक लड़का आया मेरे पास में, आप लोग कहते हैं कि आप त्यागी तपस्वी हो, तो मैं देखता हूं यहाँ शांतिवन में, देखता हूँ आपकी दादियों के पास तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, तो कहाँ है त्याग? मैंने कहा ये दादियों ने खुद खरीदी नहीं है, किसी ने दिया है। दादियों को ये भी पता नहीं है कि जिस गाड़ी में हम बैठ रहे हैं वो कितने की है, ये भी मालूम नहीं है, दे दिया है ना। किसी ने आपको तो नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपके जीवन में त्याग ही नहीं था, इसीलिए नहीं दिया। अगर आपके जीवन में त्याग हो, तपस्या हो, तो क्यों नहीं मिले? तो इसीलिए कहा कि जहां त्याग है वहां देखो अपने आप जो मिलता जाता है। तो जो सहज मिला सो दूध बराबर, अमृत बराबर, ये भी भगवान की पालना है। हमने त्याग किया है उसके आधार पर अपने आप भगवान किसी न किसी को निमित्त बना करके देता जा रहा है। तो जो सहज मिला सो दूध बराबर, क्यों हमने तो उत्पात किया नहीं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। तो चाहिए चाहिए कि चाहना नहीं, लेकिन जो सहज प्राप्त हो गया बहुत अच्छा, यूज करो, नहीं है तो उसके बिना भी चल सकता है, है यूज करो, नहीं है चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, सेटिस्फाइड है अंदर से है। तो मन एक तो इच्छाओं में भटकता है, दूसरा संबंधों में भटकता है ना। इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ दो, सर्व संबंधों का सुख तुम मेरे से ले लो। जब सर्व संबंधों का सुख बाबा से मिलने लगेगा, संबंधों में भी दो प्रकार के संबंध याद आते हैं। एक संबंध जहां मोह है, प्यार है, वो संबंध भी बार बार हमें योग में डिस्टर्ब करता है, और एक संबंध ऐसे हैं जहां से टूटा हुआ है, वो भी बार बार याद आते हैं। जिसके साथ खटाई हो गई है, संबंधों में खटाई आ गई, तो वो भी बार बार खटकाटा रहता है अंदर में। तो बाबा कहे तुम बच्चे सर्व संबंधों का सुख एक मेरे से प्राप्त करो। तो संबंधों में भी जाएगा नहीं, है ना। और तीसरा कहां जाता है, कहां जाता है? व्यर्थ में, और कुछ नहीं है तो व्यर्थ सोचता रहेगा, पास्ट की बातें, कभी क्या बातें, उसकी बातें, उसकी बातें, उसकी बातें, व्यर्थ। ये तीन जगह मन जाता है। बाबा ने हमें इतना समर्थ का खजाना दे दिया
कि अब ये व्यर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो तीनों जो भटकने के द्वार है बाबा ने बंद कर दिए, और जब हम उसमें रमे रहे, ये हमारी तपस्या है, ये हमारी तपस्या है। और बाबा ने तीन चीजें दे दी मन के लिए। तीन चीजें कौन सी दे दी? ये तीन चीजों का दरवाजा बंद किया और तीन चीजें दे दी। पहला दिया मन के लिए लक्ष्य। लक्ष्य बहुत क्लियर है और उस लक्ष्य की ओर जब आगे अग्रसर होते हैं पुरुषार्थ करते हुए, ये हमारी तपस्या है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। बढ़ते कदम हमारे हर कदम। दूसरा, लक्ष्य के साथ साथ लक्षण। लक्षण भी वैसे डेवलप करो तो कहेंगे कि हाँ उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने पिछली मुरली चलाई थी, लक्ष्य और लक्षण में अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर आया तो मेहनत लगेगी, वहां कहीं ना कहीं तपस्या हमारी भंग हो रही है, इसलिए अंतर आया। लेकिन जहां एक है लक्ष्य के हिसाब से ही हमारे लक्षण है तो कहेंगे हाँ तपस्या हमारी सफल हो रही है। और उस लक्षण और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मण रेखा खींचनी जरूरत है। लक्ष्मण रेखा खींचना माना कहीं ना कहीं हमें मन को मर्यादा के अंदर बांधना जरूरी है। जहां लक्ष्य से विचलित हुआ तो कहां गया? तो वो लक्ष्मण रेखा खींच दो ताकि ये इससे बाहर तेरे को जाना नहीं है। अटेंशन, अलर्ट हो जाओ। तो ये लक्ष्मण रेखा खींचना मन के लिए जरूरी है। अगर लक्ष्मण रेखा नहीं खींची तो फिर तो मन कहां भी चला जाएगा, किधर किधर भी चला, और उस लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे पढ़ाई के अंदर जब एक स्टूडेंट को लक्ष्य है कि मुझे ये बनना है, तो उस लक्ष्य के हिसाब से वो अपना लक्षण यानी सब्जेक्ट भी चूज करता है, उस अनुसार वो किताब उसको ले आता है, पढ़ता है लाइब्रेरी से भी, और लक्ष्मण रेखा खींचता है कि इतना घंटा मुझे पढ़ना ही है। अगर शादी है तो भाई मेरे को ये त्याग करना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी एग्जाम है, उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है मुझे, है ना। तो लक्ष्मण रेखा अपने आप को वो बांधता है। तो हमें भी बाबा ने ये तीन चीज मन के लिए दिया, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, उस अनुसार लक्षण, और उस अनुसार अपने आप को उस लक्ष्मण रेखा में बांध देना, उस मन को जब बांध दिया मर्यादा की लकीर में, कोई ना कोई धारणा की लकीर में जब उसको बांध दिया कि अब इससे आगे नहीं, ये हमारी तपस्या है, ये हमारी तपस्या है। अगर ये तीन चीजें नहीं है तो तपस्या ही नहीं है, है ना। तो तपस्या ही नहीं है हमारी। पांचवी बात, तपस्या माना एक, एक का पाठ पढ़ लेना अच्छे से, एक नामी, एकानामी, एकांत, एक रस, ये एक का पाठ में लगा देना, यानी एक के लगन में मगन हो जाना, चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते, ये हमारी तपस्या है। एक नामी हो जाना, एकांत प्रिय हो जाना, एक रस में खो जाना, डूब जाना, ये हमारी तपस्या है। तो हर कर्म करते हुए उस एक के लिए हमारे हर कर्म है,
और सबसे बड़ी बात है कि तपस्या माना बेहद की वैराग्य वृत्ति, बेहद का वैराग्य, यह है तपस्या। जिसको बाबा कहे न्यारा भी रहो प्यारा भी रहो। बेहद के वैरागी माना हमें किसी से बात ही नहीं करना, कुछ बोलना नहीं, उसको नहीं कहा जाता है। लेकिन बेहद का वैराग्य माना सबके बीच में रहते हुए, सबके साथ हर कर्म करते हुए न्यारा और प्यारा, ये बेहद का वैराग्य है। दूसरा, राज ऋषि स्वयं पर अधिकार भी तो ऋषि भी, वो है बेहद के वैराग्य वाले। ये बेहद का वैराग्य ही आगे चल करके समय को समीप ले आएगा। एक बार हमने गुलजार दादी के साथ बैठे थे, चिट चैट हो रही थी, तो दादी से पूछा कि दादी बाबा कहते हैं समय हमारे लिए रुका हुआ है, हमारे लिए रुका हुआ है ना, क्योंकि हम संपन्न नहीं बने इसलिए समय रुका हुआ है। लेकिन दूसरी ओर जब हम ब्राह्मणों को देखते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि संपन्न बनने के और जाने के बजाय कहीं पीछे तो नहीं हट रहे हैं। जो पुरुषार्थ आप लोग ने किया 14 साल का है ना, एकदम चार दीवारियों के अंदर रह करके, वो पुरुषार्थ अभी कहां है? तो कहीं हम पीछे तो नहीं जा रहे हैं और समय हमारे लिए रुका हुआ है और हम संपन्न बनने के बजाय पीछे जा रहे हैं, तो क्या विनाश कभी होगा ही नहीं? दादी ने इतना सुंदर जवाब दिया। दादी ने कहा कि देखो बाबा आकर के तीन धर्मों की स्थापना करते हैं, तीन धर्म स्थापन करते, ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म। ये तीन धर्मों की स्थापना हुई है ना, तो ब्राह्मण भी धर्म है और ये सृष्टि चक्र के कायदे के हिसाब से, कायदे के हिसाब से हर धर्म को चार स्टेज से पास होना ही पड़ता है, सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो और तमो प्रधानता। ये चार स्टेज से उसको गुजरना ही पड़ता है, ये कायदा है सृष्टि का, ये सृष्टि चक्र का कायदा है। तो इसीलिए ब्राह्मण भी धर्म है, तो बाबा के समय में सतो प्रधानता थी, उस धर्म की सतो प्रधानता थी। फिर जब भारत में आए उसके बाद सतो हुए, फिर भी बहुत अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे रजो, तमो, अभी तो दादी ने कहा अभी तो तमो तक ही पहुंचे हैं, अभी तमो प्रधान तक आए। ब्राह्मण धर्म में भी आएगी तमो प्रधानता, लेकिन जब ये तमो प्रधानता आएगी ना तो दो प्रकार के बच्चे होंगे। कौन से दो प्रकार के बच्चे होंगे? एक होंगे जो सोचेगा इसे तो दुनिया अच्छी, अब उसने सोचा ना दुनिया अच्छी तो जाएगा दुनिया में, वो चला जाएगा। जो बाबा रोज साकार मुरली में कहते हैं ना, बच्चे अच्छे अच्छे भी गिरेंगे, अच्छे अच्छे, अच्छे अच्छे भी गिरेंगे, माया कई चक्री ऐसी चलेगी, ये तूफान ऐसे आएंगे जो उस तूफान में उसको लगेगा इसे तो बाहर वाले अच्छे, तो जाएगा वो बाहर जाएगा। उसने वो ही चुना ना, संकल्प से भी चुन लिया तो वो जाएगा, तो अच्छे अच्छे भी गिरेंगे। और दूसरे प्रकार के बच्चे हैं
जिसके अंदर बेहद का वैराग आएगा, देखते हुए सोचेगा भी छोड़ो ये सब चीज, मैं और मेरा बाबा बस इसी में जाना नहीं है, जिसको जो करना है करने दो। ये बेहद की वैराग्य वृत्ति जागृत होगी दूसरे प्रकार में। तो जब बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी और वो रियल तपस्या आरंभ करेंगे, अभी जो योग कर रहे हैं ना विकर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जलना चाहिए वो जलते भी नहीं। इसीलिए जब ऐसी बेहद की वैराग्य वृत्ति जागृत होगी और उस समय जो बस मैं और मेरा बाबा उस लगन के साथ जो योग करेगा उसको और कुछ नहीं सूझेगा, बस मैं और मेरा बाबा, और उसकी रियल तपस्या बेहद की वैराग्य वृत्ति के आधार पर शुरू होगी और वो समय को नजदीक लाएगा और वो समय को नजदीक लाएगा। इसलिए बाबा कहते ऐसे बच्चे जब तपस्या शुरू करेंगे बेहद के वैराग्य वृत्ति से, वो विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेंगे, समय को इतना नजदीक ले आएंगे जो विनाश ज्वाला उसमें से प्रज्वलित होंगे। और तीसरे प्रकार के बच्चे जो गए भी नहीं लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति भी नहीं आई, तो समय उनसे करवाएगा, लेकिन समय जब उनसे करवाएगा तो मार्ग समय को चला जाएगा। तो अंत में ये तीन प्रकार के बच्चे प्रैक्टिकल देखने को मिलेंगे। एक है जो झड़ते जाएंगे, झाड़ हिलेगा तो पत्ते तो गिरेंगे ना, तो झड़ते जाएंगे गिरेंगे दुनिया में जाएंगे, अच्छे अच्छे भी गिरेंगे। दूसरे हैं जिनके अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी बस, और वो समय को समीप लाएंगे। और तीसरे हैं जिनको समय करवाएगा लेकिन मार्ग समय को मिलेगा। तो ये अंत में तीन प्रकार के बच्चे देखने को मिलेंगे। समय तो क्यों नहीं आएगा, आएगा ही, लेकिन वो थोड़ी सी आत्माएं भी जो है ना वो समय को ले आएगी। और इसीलिए जब समय आएगा तो समय कई लोगों से तो समय करवाएगा, जो बेचारे कंफ्यूज स्टेज में है क्या करे, वो अच्छे अच्छे गए उसके देख करके मैं जाऊं या मैं रहूं इनको देखूं, कंफ्यूज स्टेज में जो होंगे तो उसका क्या हाल होगा। इसलिए बाबा कहे कंफ्यूज नहीं हो जाओ, मूंझो नहीं, लेकिन ज्ञान का दर्पण, आज भी बाबा ने कहा ना दर्पण में अपने आप को देखते रहो, आईने में अपने आप को देखो। तो ज्ञान के दर्पण में अपने आप को देखना है, और जब ज्ञान के दर्पण में देखते हैं तो अपने आप को कहाँ ठीक करना है वो मुझे समझ में आएगा और अपने आप को ठीक करते चलो, है ना। तो ये है तपस्या हमारी, इसलिए कहा तपस्या जीवन है, योग और तपस्या में इतना अंतर है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।